व्यूअर्स, आपको यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान में खुशामदीद कहते हैं। एडिसन के मतलब लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। व्यूअर्स, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिसोरा सिरप। डिसोरा सिरप के बारे में हम देखें तो इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होता है वो है डिसलोरेटिडीन। डिसलोरेटिडीन जो स्ट्रेंथ में आता है वो 0.5 मिलीग्राम पर एमएल, यानी 1 ml जो सिरप है उसके अंदर 0.5 मिलीग्राम डिसलोरेटिडीन मौजूद होता है। 60 ml की पैकिंग में ये सिरप आता है और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो कॉन्टीनेंटल फार्मास्यूटिकल है। ये बेसिकली एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनको स्टॉप करवाने के लिए ये सिरप एज अ सपोर्टिव यूज़ करवाया जाता है। इसको स्टोर करने के वाले से ये है कि जो टेम्परेचर है वो 15 से 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तो इसकी एफिकेसी कम हो सकती है या बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। इसी तरह अगर इसका टेम्परेचर 15 से आप कम रखेंगे, इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे, टेम्परेचर बहुत कम होगा तो उस सूरत में भी इसकी एफिकेसी ख़राब हो सकती है। इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस तकरीबन 110 रुपीज़ है। 110 रुपीज़ का ये सिरप आता है जबकि इसकी पैकिंग जो है वो 60 ml होती है। इसको यूज़ करने का वही तरीका है कि ऐसे बच्चे जो कि 6 मंथ से लेके 1 साल तक हैं उन्हें तकरीबन 1 ml सिरप दिन में एक दफ़ा, जबकि ऐसे बच्चे जो कि 1 साल से लेके 5 साल तक हैं उन्हें 2 ml सिरप दिन में एक दफ़ा, जो बच्चे 6 साल से लेके 11 साल तक हैं उन्हें 5 ml दिन में एक दफ़ा, जबकि वो पेशेंट्स या वो बच्चे जो कि 12 साल से बड़े हैं उन्हें 2 चाय के चम्मच डिसोरा सिरप दिन में एक दफ़ा। व्यूअर्स, इस वीडियो के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।